जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों को लेकर, साथ ही साथ अतिथि विद्वानों को लेकर। जी हां साथियों, आप सभी को मालूम है इन दोनों की ही महापंचायत माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयोजित की थी और इनके लिए काफी कुछ बड़ी घोषणाएं की गई थी, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके के आदेश इनके लिए देखने को नहीं मिले थे। लेकिन अब यदि हम बात करें तो उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल ने अतिथि विद्वानों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। विशेष रूप से ऐसे अतिथि शिक्षक जो फॉलन आउट हैं, यानी कि वर्तमान में उच्च शिक्षा विभाग में भी कार्यरत नहीं है, किसी कारणवश उन्हें सेवाओं से पृथक कर दिया गया है। उच्च शिक्षा के जो आयुक्त महोदय हैं, उन्होंने अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया की संशोधित समय सारणी जारी की है और इसमें केवल ऐसे अतिथि विद्वानों को आमंत्रित किया गया है जो फॉलन आउट है। 20 सितंबर से यह संबंधित महाविद्यालयों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 20 सितंबर से 25 सितंबर तक आवेदन की प्रक्रिया रहने वाली है। मेरिट अनुसार अतिथि विद्वानों को महाविद्यालय का चयन 26 सितंबर 2023 को किया जाएगा। आवंटित अतिथि विद्वानों द्वारा संबंधित महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने का जो तिथि है 26 सितंबर से 30 सितंबर तक उन्हें कार्यभार ग्रहण करना होगा। प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कर चुके अतिथि विद्वानों की पोर्टल पर ज्वाइनिंग 26 से ही 23 30 सितंबर के बीच में ही करवाई जानी है। तो इस तरीके से ये फॉलन आउट अतिथि विद्वानों के लिए एक बड़ा अपडेट है और अब ऐसे में अतिथि शिक्षकों के लिए भी कुछ इसी तरीके के आदेश जारी किए जाने चाहिए। जी हां साथियों, क्योंकि लंबे समय से अतिथि शिक्षक भी कहीं ना कहीं ऐसे अतिथि शिक्षक जो वर्तमान में सेवा में नहीं है, किसी कारणवश सेवा से पृथक किए गए हैं, उनकी भी यही मांग रही है कि उन्हें विभाग में पुनः वापस लिया जाए। जो कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उनके भी अनुबंध का जो आदेश है वह जल्द से जल्द जारी हो, ताकि भविष्य में आने वाले समय में प्रमोशन प्रक्रिया चूंकि जारी है उससे इनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है उस पर कोई विशेष प्रभाव ना पड़े। संबंधित शासकीय शिक्षक के साथ साथ अतिथि शिक्षक भी संस्था पर कार्य करते रहें, ये आवश्यक भी है। जिस तरीके से उच्च शिक्षा विभाग में इस तरीके के आदेश हमें देखने को मिल रहे हैं, उम्मीद हम यही करते हैं कि आने वाले समय में अतिथि शिक्षकों के लिए भी ऐसे आदेश जारी किए जाएंगे। यहां पर हम वीडियो के माध्यम से अनुरोध करना चाहेंगे कि फॉलन आउट अतिथि शिक्षकों पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही साथ जो कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उनके वेतनमान से संबंधित, अनुबंध से संबंधित और अन्य जो प्रक्रियाधीन उनके कार्य हैं उनके आदेश त्वरित जारी कर दिए जाए। साथियों, अतिथि विद्वानों को लेकर यह महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त हुआ था, सोचा क्यों ना वीडियो के माध्यम से अतिथि शिक्षकों के हित में ये बात रखी जाए। ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।